वैसे तो योगी सरकार माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बात जब बालू के अवैध खनन की आती है तो सिर्फ बातें रह जाती हैं। बालू माफियाओं का नेटवर्क इतना तगड़ा होता है जिस पर ना तो किसी स्थानीय नेता व जनप्रतिनिधि का मुंह खुलते दिखता है, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का। बालू माफियाओं का सबसे बड़ा गढ़ इन दिनों हमीरपुर जिला बना हुआ है। इक्का दुक्का दिखावे की कार्रवाई को छोड़ दिया जाए ना तो यहाँ का खनिज विभाग कार्रवाई करता है और ना ही खुद को ईमानदार साबित करने वाले यहाँ के जिलाधिकारी को। अब जब बेतवा नदी से बालू निकाल निकाल कर उसे गहरा कर दिया तो अब नदी को छोड़कर आसपास के खेतों को नीचे से बालू निकाल कर दबंग ठेकेदार उन्हें खोखला कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब उस धरती पुत्र के फरियाद कोई नहीं सुनता। अब जरा सुनिए इस सुखदेवी नाम की विधवा की बात, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वो जाते जाते छोड़ गया उसके लिए बस एक धरती का टुकड़ा, जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा करती है। लेकिन अब उसकी भूमि धरी जमीन पर माफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है और लाख रोकने के बाद माफिया मानने को तैयार नहीं है। कौन गांव की रहने वाली है? जिला बजरक की रहने वाले हैं। क्या परेशानी है आप? हमारी खेत से जबरदस्ती ठेकेदार मोरम उठाए ले जा रहे हैं। हम गेहूं बहते हैं, चना उपजाते हैं, वो जबरदस्ती से हमें खेत ले जा रहे हैं। और बिजनंदन और कमल है, इंचार्ज कमल है। हाँ, और बिजनंदन रामपुर डेरा का है, लगा है उसी में। तो हम रोकने जाते हैं तो वहाँ धमकी देते हैं। आपने और ऊपर कार्रवाई नहीं की? हाँ की है, नहीं सुनते। हमने सरीला में दो दफे कार्रवाई की है, नहीं सुनाई होता। एप्लीकेशन दे आए? हाँ, एप्लीकेशन हमने दो बार दे चुके हैं। यहाँ वो बैठते अधिकारी मालिक को बोलते हैं, एसडीएम को दे आए तो उन्होंने क्या कहा? कहते बार बार क्यों आ जाते हो यहाँ, उन दे गए तो फिर आ गए तुम। हमने किसान हमारे खेती उठाए लिए जा रहे ठेकेदार जबरदस्ती, तो हम आते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती है। ये तस्वीर हमीरपुर जिले के रिरवा घाट की है, जो सरीला तहसील थाना जलालपुर के अंतर्गत आता है। वैसे तो ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ आवागमन भी सुलभ नहीं है। सूत्रों की माने तो यहाँ के थाने को बालू माफियाओं से मोटी रकम प्रति माह सुविधा शुल्क के रूप में मिलती है। यही कारण है कि अगर कोई फरियादी पुलिस के पास शिकायत लेकर जाए तो उसे उल्टा धमका कर थाने व चौकी से भगा दिया जाता है। ठीक यही हाल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का है। एसडीएम भी कभी बालू माफियाओं की शिकायत को सुनना पसंद नहीं करते। पीड़ित महिला ने जब भी माफियाओं को रोका उसे जान माल की धमकी दी जाती है। काफी हिम्मत दिखाकर सुखदेवी ने हमारे पत्रकार को बुलाकर अपना पूरा दुखड़ा सुनाया। फिलहाल तो ये तस्वीरें अवैध और जबरन किए जाने वाले बालू खनन की कहानी को साबित करने के लिए काफी है, लेकिन क्षेत्र के बहुत से किसान इन माफियाओं से इतना डरते हैं कि वो सामने आकर बोलने से भी कतराते हैं। बिना कैमरे के सामने आए ग्रामीणों ने बताया कि बालू माफियाओं ने रास्ता बनाने के लिए उनके खेत उजाड़ दिए। जब वो शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने ये कहकर उन्हें खदेड़ दिया कि एक मामला दर्ज करके हवालात में सड़ा दूंगा। हमीरपुर जिले के नदी किनारे बसे गांव की हालत देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे खोखले नजर आते हैं। यहां एक एक अधिकारी भ्रष्ट में लिप्त नजर आता है, जो सिर्फ बालू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में गरीब किसान न्याय के लिए आखिर कहां जाए? हो सकता है कि तस्वीरें गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री तक पहुंचती ही ना हो, लेकिन हमारे दर्शकों से निवेदन है कि एक विधवा के खेत को बचाने के लिए इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कम उन्हें हमीरपुर का भ्रष्टाचार तो नजर आ सके। हमीरपुर से वीरेंद्र वर्मा के साथ देवेश द्विवेदी की रिपोर्ट।
संस्कार सेवा समर्पण शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।